डालेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि लिक्विड पूरा पकड़ लिया है, पूरा पूरा बहुत बढ़िया से पकड़ लिया है, ठीक है। तो पहले थोड़ा लिक्विड डालेंगे और थोड़े पाउडर डाल के इसको पेस्ट बना के ये साइड में फिलअप करेंगे हम, साइड में जो साइड बॉर्डर एरिया है यहाँ पर फिलअप करके इसे फिर हम एक दो दिन के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये लास्ट है, ये लास्ट प्रोसेस है। इसके बाद तो हमें हीटिंग ही करना है, डायरेक्ट हीट करके फिर मैं आपको इसका टेस्ट दिखाई दूंगा और ये बहुत बढ़िया से काम करेगा। इसकी वैलिडिटी आती है 20 दिन की, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चलता और ये वॉशेबल होता है, ठीक है। तो ये चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है मिक्स, देखिए, और मैंने कॉइन भी इसमें डाल दिया है, और देखिए ये ऐसे मैं रब करके इसे रब कर रहा हूँ, मैं रब करके सिर्फ से छोड़ देना है बस, दूसरा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे थोड़ा थोड़ा ज़रा ये बारिश का मौसम है इसलिए थोड़ा ये जो जो लिक्विड डालते हैं उसे ज़रा ऑब्जर्व करने में टाइम लेता है, ठीक है। तो ठंडा मौसम होगा तो ज़रा टाइम लेगा। और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं इसे हम बल्ब के नीचे रखेंगे ऐसे रखेंगे, तो वैसा मत कीजिएगा, ठीक है। जो भी नेचुरल तरीके से हो सकता है उतना ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आप आर्टिफिशियल बोलोगे हम बल्ब के नीचे रख देंगे, बड़ा वाला बल्ब है, पीला वाला बल्ब है, तो उससे ये थोड़ा इफेक्ट करता है, तो इससे अच्छा है कि नेचुरल जो है उसमें आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों फिर इससे ज़रा ड्राई होने के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और अगले पार्ट में हीटिंग करके मैं आपको बताऊँगा कि इसका टेस्ट कैसा है और ये मतलब कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्त। तो बनिए रहिए मेरे साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे।